नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि क्या इस शेयर में यहाँ से एक धमाकेदार तेज़ी आएगी या फिर कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात आती है शेयर में रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और वो है 1470 रुपीज़ का जोन। और दोस्तों, ये पूरा जोन इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, इस शेयर में पहले एक अच्छा सा अप ट्रेंड चालू था, पर जैसे इस शेयर का प्राइस इस जोन के इधर आया, 1470 के जोन के इधर आया, उसके बाद इस शेयर ने इधर दो तीन बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर बहुत बड़ी गिरावट आ गई। फिर गिरावट के बाद जब तेज़ी आई, तभी भी इस शेयर ने सेम जोन में रेजिस्टेंस फेस किया और वापस गिरावट आ गई। तो दोस्तों, अगर हम अभी देखें तो अभी इस शेयर का प्राइस एकदम अपने रेजिस्टेंस के इधर आ गया है। तो अगर यह शेयर इस रेजिस्टेंस के ऊपर में ओपनिंग और क्लोजिंग दे देता है, तो इस शेयर में एक धमाकेदार तेज़ी आने की संभावना रहेगी। अगर बात आती है इस शेयर में सपोर्ट की, तो दोस्तों, इस शेयर में अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 1348 रुपीज़ का लेवल। और यह इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, पहले इस शेयर ने इस जोन में सपोर्ट लिया था, फिर जैसे इस शेयर ने सपोर्ट को तोड़ा था, फिर बड़ी गिरावट आ गई। और अभी यह शेयर जब इस सपोर्ट के ऊपर आ गया है, तो वापस यह शेयर इसी जोन में सपोर्ट ले रहा है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर 1348 रुपीज़ का लेवल मुझे ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर को अप्लाई करूँगा। जो पहला इंडिकेटर है वो है MACD और दूसरा इंडिकेटर है RSI। तो चलिए दोनों इंडिकेटर को अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर बात आती है इस शेयर में MACD की, तो यहाँ पर आप देखो, MACD में लगातार नेगेटिव हिस्टोग्राम जनरेट हो रहे थे, पर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर में एक पॉजिटिव हिस्टोग्राम जनरेट हुआ है, पर उसका जो साइज़ है वो अभी भी बहुत छोटा है। तो दोस्तों, चांसेस है कि इस शेयर में MACD में हमें और भी स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिल सकती है। अगर बात आती है RSI की, तो RSI में हमें एक अच्छी उछाल के साथ 60+ का RSI देखने को मिला है। तो यहाँ पर दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें बाय का सिग्नल दे रहे हैं। आइए अब हम देख लेते हैं मैं इस शेयर में कब खरीदारी करूंगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। तो दोस्तों, पहले तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई होल्डिंग है, तो आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हो। और अगर बात आती है इस शेयर में फ्रेश बाइंग की, तो मैं इस शेयर को तभी बाय करूँगा अगर यह शेयर 1470 के ऊपर में ओपनिंग देता है, क्योंकि दोस्तों, जैसे ये शेयर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, उसके बाद इस शेयर में अच्छी तेज़ी आएगी। पर अगर यह शेयर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता, तो वापस इस शेयर में गिरावट आने की संभावना रहेगी। तो अगर बात आती है इस शेयर में मेरे टारगेट की, जो मेरा टारगेट रहेगा इस शेयर में वो रहेगा 1570 रुपीज़ का लेवल। अगर ये शेयर उस जोन के ऊपर जाएगा, तो फिर मेरा टारगेट रहेगा 1600 से लेकर 1650 रुपीज़ तक का शॉर्ट टू मिड टर्म में। और दोस्तों, अगर बात आती है स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1348 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस पे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आप कुछ भी डिसीजन लेते हो, तो आप अपना रिसर्च करो, एनालिसिस करो। धन्यवाद।